क्या है मुसलमानों के पास, क्या ईसाइयों के पास। कभी आप निशाने पर, कभी बागेश्वर धाम के बाबा जी, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने धर्म में स्वधर्म में जो सनातन धर्म वालों को कुछ दे देंगे वो खुद दरिद्र है। अरे होने तो क्या फर्क पड़ता है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस पांच बार नमाज पढ़ो फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं, घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया गया बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो और जो मनवाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ उठे, चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर मिले और उठे दारू पीड़ो क्यों बोले भाई। ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों ने बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आए थे पाए थे। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए हैं।